कंगना रनौत ने कल बॉलीवुड में सुसाइड गैंग की बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जावेद अख्तर महेश भट्ट इस गैंग का हिस्सा है, उनके साथ जो जो हुआ था उन्होंने वो सारी बातें भी शेयर की। अब जो है महेश भट्ट ने एक पोस्ट डाला है और उनका इशारा जाहिर सी बात है कंगना की ओर है। उस पोस्ट में उन्होंने जो बातें लिखी हैं, कंगना का नाम डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन वो पोस्ट जो है इशारा करता है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ कंगना के लिए ही लिखा गया है। उन्होंने दो पोस्ट डाले हैं, एक में वो लिखते हैं, उन्होंने आई डोंट वॉन्ट पोस्टेरिटी टू रिमेंबर मी एट ऑल, आई डोंट वॉन्ट द वर्ल्ड टू रिकॉल मी एज अ होली मैन, यू डू एवरीथिंग टू बी रिमेंबर, यू वॉन्ट एयरपोर्ट स्टैम्प्स मॉन्यूमेंट्स इन यूर नेम, यू डू एवरीथिंग टू जस्ट कंटिन्यू, परमानेंस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, द क्वेस्ट फॉर परमानेंस इज मैंस ट्रेजेडी। यानी कि मैं नहीं चाहता कि भावी पीढ़ी मुझे होली मैन की तरह याद रखे, मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे एक अच्छे व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, होली मैन की तरह याद रखे, ना ही मैं चाहता हूं कि मुझे वो याद रखे। हम जो है याद रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हवाई अड्डे पर, स्टैम्प पर, स्मारक पर अपना नाम करते हैं, अपने नाम पर बनवाते हैं। जीवन में स्थायित्व संभव नहीं है, और इसी तरह का एक फिलोसफिकल पोस्ट जो है उन्होंने लिखा है। एक और पोस्ट वो लिखते हैं, ट्रू वर्ड्स आर नॉट एलोक्वेंट, एलोक्वेंट वर्ड्स आर नॉट ट्रू, वाइज मैन डोंट नीड टू प्रूव देयर पॉइंट, मैन हु नीड टू प्रूव देयर पॉइंट आर नॉट वाइज। तो सच्चे शब्द जो है वो स्पष्ट नहीं होते हैं, इतने फ्रीक्वेंट ये नहीं होते हैं, सच्चे शब्द स्पष्ट नहीं होते, और जो स्पष्ट शब्द है जरूरी नहीं वो सत्य ही हो। समझदार व्यक्ति को अपनी बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन व्यक्तियों को अपनी बात साबित करने की ज़रूरत पड़ जाती है वो समझदार या बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये दो पोस्ट डाले हैं, और जब उन्होंने पोस्ट डाला है तो बहुत सारे लोगों ने जो है उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया है। कल कंगना ने जो है बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उनका दावा है कि बॉलीवुड में एक ऐसी गैंग काम करती है जो आपको इस तरह से कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि महेश भट्ट सुशांत और रिया के बीच में कर क्या रहे थे, और उन्होंने जावेद अख्तर के साथ जो उनका एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया, और उन्होंने ये दावा किया कि बॉलीवुड में एक सुसाइड गैंग है जिसका हिस्सा जावेद अख्तर और महेश भट्ट भी हैं। तो उसी के बाद जो है उनका ये पोस्ट आया है महेश भट्ट का, और जिस तरह से उन्होंने ये लिखा है ये बात साफ है कि उनका इशारा कहीं और नहीं बल्कि कंगना की ही तरफ है।